टीम इंडिया ने दूसरी बार T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रचा है। T20 विश्व कप जीतने के बाद टीम इंडिया आज स्वदेश लौटी है। दिल्ली पहुंचने पर टीम इंडिया का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने अपने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। टीम इंडिया ने मुलाकात की, वहीं मुंबई में आज टीम इंडिया की विक्ट्री परेड भी आयोजित की जाएगी। लंबे इंतजार के बाद जैसे ही भारतीय टीम चमचमाती ट्रॉफी के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकली तो उत्साही प्रशंसकों की भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट और इंडिया इंडिया के नारों से टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। जीत की ट्रॉफी का दीदार करने तड़के सुबह एयरपोर्ट पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों की जीत के नायकों की जय जयकार से समूचा वातावरण गूंज गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बड़ा मोमेंट है इंडिया के लिए, काफी टाइम बाद ट्रॉफी आई है कंट्री में, तो काफी अच्छा लग रहा है। इट्स नाइस टू बी हियर सर। बहुत खुश हो सर, विराट एंड रोहित शर्मा फॉर एवरी प्लेयर सर, फॉर एवरी 11 प्लेयर्स दे प्लेड फॉर इंडिया। चार दिन से सेलिब्रेशन ऑन है इंडिया में, उसके बाद संडे को मंडे और ट्यूसडे ऑफिस गए हैं, लेकिन ऑफिस में सिर्फ सेलिब्रेशन हुआ है, ऑफिस का कोई काम नहीं हुआ है। और आज का सेलिब्रेशन और माहौल तो अलग ही है। शब्दों में बयान करना तो बहुत ही मुश्किल है। इट्स अ फीलिंग विच इज क्लोज टू डिवाइन। मोस्ट पीपल आप देख सकते हैं रात को शायद सोए भी नहीं है, इतनी एक्साइटमेंट है। और सुबह सुबह टीम को वेलकम करने सबके सब, इतने लोग, इतने इमेजिन भी नहीं कर सकते आप, इतने तादाद में लोग आए हैं। So, आप समझ ही सकते हैं कि क्या मोमेंट है और कितना प्रेशियस है हमारी, हमारे कंट्री के लिए। खुशी तो बहुत है पर बता नहीं चला कितनी हो रखी है। रात को नींद ही नहीं आई भाई। फ्यूचर अच्छा है इंडिया का, आगे जाके और अच्छा मुकाम हासिल करेगा इंडिया। विजय की ये ट्रॉफी टीम इंडिया के लिए तो अहम है ही, लेकिन ये ट्रॉफी उन तमाम प्रशंसकों के लिए भी उतनी ही खास है जो सालों से टीम इंडिया की इस बड़ी जीत का इंतजार कर रहे थे। प्राउड ऑफ टीम इंडिया टीम एंड वी आर ऑल हैप्पी। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। एक्चुअली हम सब बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए शायद इतनी देर से यहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को और मतलब पूरी कंट्री में इतनी अच्छी वो लेकर आए खुशी की लहर। मतलब वो जीते हैं तो उन्हें एक्चुअली उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके सिर्फ एक मैच जीतने से यहाँ पे लोग कितने खुश हैं। सो वेरी हैप्पी, प्राउड ऑफ देम। रोहित इज अ लीजेंड प्लेयर, जिन्होंने पूरा वर्ल्ड कप जिताया, जिन्होंने टीम लीडर के एक साथ रखा सारी टीम को और सारी यूनिटी एक साथ रही, सबने अपना अपना एफर्ट लगाया। ऑब्वियसली एकदम ऑसम मैच था। और सूर्य कुमार की जो मैच वो कैच थी टर्निंग पॉइंट, और जो हार्दिक पांड्या का जिसको कह रहे डाउनफॉल आ गया, उस बंदे ने अकेले दम पे पूरा मैच जितवाया। आज उसके कदम पे पूरी दुनिया है। हार्दिक इज अ लेजेंड। इंडिया बहुत अच्छा खेली, हार्दिक का डाउनफॉल आया था। हार्दिक की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, पर उसने अपनी सारी प्रॉब्लम को फाइट बैक करा और एक अच्छा सा हमें कमबैक दिया T20 वर्ल्ड कप में। उसकी बॉलिंग और उसकी बैटिंग दोनों ही नेक्स्ट लेवल थी। और रोहित ने कंसिस्टेंटली हमें मैच भी दिखाए और रन्स भी मार दिया। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब टीम इंडिया होटल पहुंची तो वहां भी जीत के नायकों का स्वागत केक काट कर हुआ। टीम इंडिया के स्वागत का सिलसिला अभी यहीं नहीं रुकने वाला। दिल्ली में इस जोरदार स्वागत के बाद टीम आज शाम मुंबई में होने वाले भव्य स्वागत समारोह में हिस्सा लेगी, जहां भारतीय टीम जीत की ट्रॉफी के साथ विक्ट्री परेड में हिस्सा लेगी। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय क्रिकेट टीम, कोच और उसके सहयोगी स्टाफ को सम्मानित किया जाएगा।